I think cricket on a wheelchair, Kamal ki concept, or organizers ko, NGO ko, Putman ji ko, mubarakbad dena chahunga ki, you know, aise initiative hume lena chahiye. Bhagwan ne hume sab kuch diya hua hai aur hum khelte kudte rehte hain, lekin inki aap agar energy dekhenge aur inki spirit dekhenge to shayad hume bahut kuch seekhne milta hai. इसलिए जब मुझसे कहा गया कि ऐसा एक टूर्नामेंट हो रहा है और वो भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ होना बहुत ही ज़रूरी है मेरा हमेशा मानना है कि ज़िंदगी में हमें ज़िंदगी ने हमें और ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है अगर हम किसी भी तरह से इनके लिए और उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ कर सके तो बहुत बड़ी बात है वो किसी जैसे कि देखा कि बहुत इंस्पायरिंग होता है जब ऐसे लोग जैसे किसी लोग होते हैं वो भी गेम खेलते हैं वो भी खेलते हैं आई थिंक स्पेशली एबल्ड कहते हैं हमें डिसेबल्ड नहीं कहते लेकिन बट यस स्पेशल जितने नॉर्मल क्रिकेटर को फैसिलिटी मिलती है उतने डिसेबल को नहीं मिलती है आई थिंक ध्यान दे रहे हैं अच्छे लोग ध्यान दे रहे हैं अगर मीडिया ऐसे और फैलाए तो और फोकस रहेगा मैं अपनी एक एनजीओ चलाता हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया के नाम से और बहुत काम करते हैं हम लोग स्पेशल बच्चों के लिए टूर्नामेंट भी लगाते हैं जहाँ महाराष्ट्र से कम 18-19 टीम्स आते हैं तो आई थिंक इस बार भी महीने डेढ़ महीने में हम वो ऑर्गेनाइज करेंगे और उनकी उत्साह देख कर ही हमें मन करता है कि नहीं यार हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए और कुछ तो वैसे ही इंडिविजुअल जब आगे आते हैं बहुत फ़र्क पड़ता है इसलिए मेरा मानना है ज़िंदगी में हमेशा देख कर भूल जाओ लेकिन जब आप कुछ एक्सेप्ट करते हो उसको कभी भूलो मत तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें और हर इंसान किसी न किसी कॉज से जुड़ा रहे तो आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है बिना दूसरे क्या करते हैं वो देखे अगर हम खुद करें तो वो बेहतर रहता है सर कभी कभी पॉलिटिकल रीजंस के लिए स्पोर्ट्स पर्सन या आर्टिस्ट को बैन किया जाता है मतलब मैच के लिए या आई मीन डिपेंड्स आज अगर आप पॉलिटिकली बात करो और अगर आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो जो हुआ उनको भुगतना पड़ा लेकिन हर एक से गलती होती है तो कहीं ना कहीं हमें माफ़ भी कर देना चाहिए अगर हमें जेन्युइनली लगता है कि यू नो ये दोबारा उनसे नहीं होगा तो हमें माफ़ भी करना चाहिए सिचुएशन देख कर करना चाहिए और पॉलिटिकली हम फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव अगर उसे कंट्रोल किया जाए देन अपने आप पॉलिटिक्स स्टेज आउट ऑफ स्पॉट सर बायोपिक का दौर चला रहा देखा जाए तो संजय दत्त की बायोपिक बन रही है अगर आप पे बने तो सुटेबल एक्टर कौन होगा आपके हिसाब से मेरी बायोपिक बनने के लायक नहीं है लेकिन संजय दत्त की बायोपिक बन रही है और आई थिंक रणबीर से बढ़िया और कोई नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं रणबीर के पिक्चर्स भी देखो तो लगते ही है वो संजय दत्त इन हिज हेड इज या थैंक यू